हिंदुस्तान देश कीमती धरोहरों को समेटे हुए है, अनगिनत कलाओं का धनी है, उन सभ्यताओं का जनक है जिन्हें जानने की कोशिश आज भी की जा रही है। इसी हिंदुस्तान के दिल पर राज करता है एक ऐसा राज्य जिसकी गोद में समाया है एक भव्य संसार, जिसे गहराई से जानने के लिए सैलानी दूर दूर से यहाँ आते हैं और फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उस राजस्थान की जो हिंदुस्तान के दिल पर इतराते हुए राज करता है। इतराए भी क्यों ना, यहाँ मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का हर एक कोना बोलता नजर आता है। यहाँ के रीति रिवाज सभी को अपना बना लेने वाली संस्कृति कुछ पलों में ही मंत्रमुग्ध कर देती है, पर जब बात होती है राजस्थान की हस्तकलाओं की तो इस राज्य की शान और शौकत में चार चांद लग जाते हैं। ये झील खूबसूरती बयां कर सकती है, ये किला इतिहास का गवाह बन सकता है, यहाँ की संस्कृति और करीब ला सकती है, लेकिन यहाँ की मूर्तिकला की कलात्मकता की अपनी ही कहानी है। पत्थरों से बनी इन मूर्तियों को देखने भर से ही लगने लगता है मानो ये कभी भी बोल उठेंगी। ये भी हस्तकला की सबसे अनोखी और खूबसूरत मिसाल है। मेरा बचपन से ही शौक रहा है, शौक भी रहा है और क्या है, हमारे ब्लड में ही है। आप समझ लीजिए मैंने हॉर्स बनाया, अब वो हॉर्स आपको लगेगा नहीं हॉर्स है, उसमें एनाटोमी है, आपको लगेगी नहीं एनाटोमी है, तो आप कैसे पसंद करोगे। तो वो एक मेरे को ऐसे लगा कि कुछ नया करना है, बाद में मैंने एनिमल्स को ही अच्छा समझा। हस्तकलाएं हाथों का जादू नहीं, हाथों की कड़ी मेहनत का वो नतीजा है जो इस बात की गवाही देता है कि उन कारीगरों की उंगलियों में अद्भुत कला का वास है, जिनके बिना अगर इस संसार की कल्पना की जाए तो रंगीन दुनिया को बेरंग होने में पल भर का भी समय नहीं लगेगा। ये कारीगर जब किसी मूर्ति को तराशते हैं, जब किसी कपड़े को रंगते हैं, जब आभूषणों की दुनिया संजोते हैं, तो इनकी सारी ताकत इनकी उंगलियों में समा जाती है और फिर निर्माण होता है उन कलाओं का जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना जरा मुश्किल है। कठिन तो नहीं है, हमको तो नहीं है, अब क्यों, हम करते आ रहे हैं, हमको ज्यादा टाइम हो गया, 15 साल हो गई, तो अभ्यास हो गया उसका। 9th में पढ़ते थे उस टाइम अड़का थोड़ा थोड़ा काम करते थे, तो और धंधा के लिए सोचा नहीं, अपने बड़े बूढ़े यही काम करते आ रहे, तो हमने भी सोचा यही कर ले, अपन कहाँ जाएंगे, किसके पास नौकरी करेंगे। अपन सब तरीके की मूर्ति बना सकते हैं, कुछ भी बनवाओ तो आए अपन से। हाँ, बिना फोटो देख के भी बना सकता हूँ, फोटो देख के भी अगर कोई ऑर्डर देता है तो फोटो के हिसाब से बना सकते हैं। लागत तो मार्बल पे आती है ज्यादा और औजारों पे आती है। राजस्थान के ये कारीगर दुनिया भर को रंगते हैं। इन कारीगरों का ही कमाल है जिसने राजस्थान को राजा बना दिया है। राजस्थान इस काम के लिए और जयपुर इस काम के लिए नंबर 1 है। हमारे पास परकाल है वो इतनी सी मात्र 9 इंच की, लेकिन उससे 1000 तक फिट का पीस बना सकते हैं, कोई कमी नहीं आएगी। हम लोग 5 घंटे नहीं मानते, हमारे को ये लगना चाहिए कि ये पीस 20 दिन में तैयार होगा। हम ये नहीं जानते सुबह कब होगी और शाम कब होगी या रात कब होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ आने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, वजह सिर्फ यहाँ मौजूद ऐतिहासिक इमारतों या झीलों का दीदार करना ही नहीं, बल्कि यहाँ की वो मूर्ति कला भी है जो बरबस ही हर नजर को अपनी ओर खींच लेती है। विभिन्न आकृतियों में बनी ये मूर्तियाँ कोई आम नहीं बल्कि संगमरमर की बनी हुई है। शेर की आकृति लिए ये मूर्ति मानो दहाड़ मारने को तैयार है, तो सफेद घोड़े भी जिंदगी की रेस को जीतने के लिए तैयार बैठा हो। न सिर्फ जानवर बल्कि इंसान की शक्ल भी ये संगमरमर के पत्थर बखूबी लेना जानते हैं, और भगवान का अस्तित्व तो इन मूर्तियों ने मानो पूर्ण कर दिया हो। शुरू सर हमारे पीढ़ियों से काम हो रहा है, हमारे दादा परदादा सब यही काम कर रहे हैं। दुकान तो सर पहले खजानों के रास्ते में थी, तो वहाँ मिट्टी की वजह से काम बंद कर दिया, तो यहाँ लेनी पड़ी है दुकानें। जैन वैष्णव
हैंडीक्राफ्ट, बस्ट, स्टेचू, सब प्रकार का काम होता है मार्बल का। सबसे ज्यादा डिमांड तो अपने वैष्णव मूर्तियों की ज्यादा है। पहले मैं सोचा था, पहले मैंने पढ़ाई भी की लेकिन नौकरी नहीं लगी। नौकरी नहीं लगी काम, मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, सिर्फ पीछे मतलब कोई गरीब स्थिति के अनुसार मैं आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाया। पहली बार देखा था कि मूर्तियों में भी ऐसा काम होता है क्या, तो धीरे धीरे मैं उसके साथ में आता गया और सीखता गया। फिर मेरे को इसमें रुचि बढ़ने लगी कि ये काम उससे भी बेस्ट है। हाथ का हुनर होना चाहिए तो कहीं भी पैसे और सही तरीके से कमा सकते हैं। जयपुर की गोद पर फलती फूलती है मूर्ति कला, इस शहर को शांति की सौगात देती है। संगमरमर से बनी इन मूर्तियों का कारोबार कारीगर बरसों से कर रहे हैं। उनके लिए ये उनका शौक भी है और जीने का जरिया भी और पुश्तैनी जिम्मेदारी भी। पापा, दादा ये सब ये काम करते थे तो मैंने पापा जी से सीखा ये काम, फिर मेरे को अच्छा लगा, फिर ये काम करना था। मेरे को हैंडीक्राफ्ट आइटम ज़्यादा पसंद है बनाना। मजबूरी कोई भी नहीं थी, मन था इसमें, काम में इंटरेस्ट था। आखिरकार राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ संगमरमर की देन उस पर बरसती है। कारीगर अपनी उंगलियों को इन संगमरमर के पत्थरों पर ऐसे चलाते हैं जैसे जिंदगी की गाड़ी दौड़ती है। इस काम में उनकी मेहनत और दिलचस्पी दोनों की झलक साफ देखी जा सकती है। मैं पढ़ रहा था, मैंने मेरे गांव में मूर्तियों की दुकान देखी। एक बार देखने के बाद मेरे चस्का लगा कि मार्बल में भी मूर्तियां बनती हैं, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैंने दिल में ये ठान ली कि मेरे को मूर्तियों का ही काम करना है। आता था मैं गांव से रोज काम करने के लिए, तकरीबन 2-3 साल मैंने कंटिन्यू काम किया उनके पास में, तो थोड़ा बहुत मेरे को कुछ आने लगा। फिर 2-3 साल बाद में और भी ज़्यादा चस्का लग गया कि इसमें इनकम भी है भाई, सीखने के बाद में इनकम भी है। तो मैंने लगन लगा के कोशिश की, और ऐसे नहीं है कि मेरे कोई किसी चीज़ से परेशानी है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरी रेपुटेशन कमज़ोर है, ये मेरे को और किसी चीज़ का वो है। बहुत ही बढ़िया मिला है मेरे को फंक्शन, बहुत बढ़िया मिला है मूर्तियों के काम से। कैसे बर्फटा लगाते हैं, पहले उसको घिसाई करते हैं। पहले हम घर के काम करते थे, खेती का काम करते थे, आने लगन लग गई। अब हमने दिमाग से सोच लिया है ऐसे काम अपन भी करना है, तो घिसाई की लग रही है, हम तो घिसाई करते रहेंगे। ये मूर्ति कला न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। श्रेय इन्हीं कारीगरों को जाता है जिनका संसार इन मूर्तियों से शुरू होता है और इन्हीं पर खत्म भी हो जाता है। पढ़ाई भी करता हूँ और मूर्तियों का काम, हाँ वो तो कर लेते हैं स्कूल से आने के बाद में काम कर लेते हैं, फिर छुट्टी होने के बाद में स्कूल का कर लेते हैं, हाँ खुदाई का कर लेते हैं। जैसे कोई भी काम होता है ना, पत्थर तोड़ने का और भी काम है। सबसे बढ़िया तो कटाई करने में अच्छा लगता है, कटाई करना। जैसे पत्थर को जिस प्रकार से भाई कौन सी मूर्ति बनानी है उस प्रकार से काटना पड़ता है, फिर सुंदर तो घोड़े ही लगते हैं, अधिकतर दिमाग में आ जाता है जैसे कोई इमेज वगैरह देखते हैं। संगमरमर और राजस्थान का एक गहरा नाता है। आखिर राजस्थान वो राज्य है जो संगमरमर का सबसे बड़ा दाता है। हरा, गुलाबी, काला, बादामी, पीला और सफेद, ये वो रंग हैं जिनके संगमरमर के पत्थर मिल जाते हैं। लेकिन सफेद रंग की तो बात ही जुदा है। ये रंगीन ना होते हुए भी सबसे खुशनुमा रंग दिखाई पड़ता है, तभी तो सफेद रंग की इन बेशकीमती मूर्तियों की मांग सबसे ज्यादा होती है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर मूर्ति कला का विशेष केंद्र माना जाता है और सफेद संगमरमर के लिए तो जयपुर मशहूर है। पत्थर को आकार देना आसान होता है, लेकिन पूर्ण रूप से ढालना इतना आसान नहीं होता जितना इन खूबसूरत मूर्तियों को देखने के बाद प्रतीत होता है। इन मूर्तियों को तराशने की अपनी एक प्रक्रिया है। पहले दिमाग में रखते हैं कि मुझे ये बनाना है, क्या स्केल होनी चाहिए, तो दिमाग भाई ये स्केल होनी चाहिए, जाते हैं माइंस में, पत्थर को देख लेंगे, तो देख के और हमारे दिमाग में हो जाता है कि भाई ये इसमें ये चीज़ बन जाएगी, वहाँ से लेके आएंगे। उसके बाद हमारे को उसको कट लगवाना पड़ता है, उसके पीसेस करवाने पड़ते हैं छोटे, उसको स्केच करता हूँ। शेर की अगर स्केच बना दिया, शेर हो, हाथी हो, एनिमल्स एनीवेयर कोई भी पीस हो, जो स्केच करके कारीगर को समझाता हूँ कि ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो कारीगर काम करेगा
उसका काम पूरा होने के बाद वो मोटा काम करता है, उसके बाद बारीक काम करने के लिए दूसरे कारीगर है, उसके बारीक काम करने के लिए तीसरे कारीगर है, उससे बारीक काम करने के लिए चौथा कारीगर है, फिर फाइनल टच मैं उसको देता हूँ। पहले मूर्ति का आकार तय किया जाता है, फिर उसकी रफ कटिंग ध्यान से की जाती है। कारीगर अपने औजारों का इस्तेमाल करते हुए मूर्ति को बेहद सावधानी से तराशता है। जब मूर्ति तैयार हो जाती है तो उसे पॉलिशिंग के जरिए और आकर्षित बनाया जाता है। कोई भी संगमरमर की इन मूर्तियों को देखकर पल भर में पसंद कर लेगा, लेकिन इन्हें बनाने का काम पल भर का या कुछ दिनों का नहीं होता, बल्कि कई हाथों से होती हुई महीनों की तपस्या के बाद ये बेमिसाल मूर्तियां जन्म लेती हैं। हमारे अभ्यास में आ गया, लेकिन है थोड़ा ये कठिन, इसको समय सीमा में नहीं बांध सकते, आर्टिस्ट के मूड पर डिपेंड है। फिर भी एक फिगर में बनाने में कभी 2 महीने 3 महीने, बड़ा फिगर हो तो 6 महीने। कोई मार्बल की प्लेट पसंद करता है, कोई अपने गेट के ऊपर लगाने के लिए हाथी पसंद करता है, कोई वो करता है। पत्थरों को किसकी शक्ल में ढालना है, कितने आकार का पत्थर जरूरी है, किस छोर से काम शुरू करना है, कितनी तेजी और कितने विराम के बाद काम करना है, ये सब ये कारीगर बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ छोटी सी चूक के लिए भी कोई जगह नहीं है। इस पाउडर में जरा सा भी अगर एक भी कंकर का टुकड़ा बारीक सा भी, तो चीटी के बराबर भी अगर कंकर का टुकड़ा आ गया तो इसकी सारी पॉलिशिंग खराब हो जाएगी। किसी भी शक्ल को मूर्ति में ढालना इन प्रतिभावान कारीगरों के लिए मुमकिन है। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया के दौरान कई बार इनकी उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं, पर बगैर इसकी परवाह किए ये बस इन पत्थरों को एक अस्तित्व देने में लगे रहते हैं, जिसमें इन्हें कामयाबी भी मिलती है। नए नए लोग होते हैं, वो पहली बार उसको पकड़ते हैं तो ये अपने जो उंगलियों के फिगर होते हैं ये कट जाते हैं, फिर एक दो दिन बाद भी ये कटना बंद हो जाते हैं, क्यों धीरे धीरे आदमी की हैबिट हो जाती है ना, इस कारण ये नहीं कटते। शुरू में ब्लड निकल जाते हैं, क्योंकि खाल अपनी जो चमड़ी होती है ना ये इतनी कट जाती है यहाँ से जो उसको पकड़ते हैं, जिस करके उसके साथ में उंगली ऐसे खिसक जाती है, तो इसलिए लूज नहीं पकड़ना चाहिए, उसको थोड़ी टाइट रखनी चाहिए। आदमी को तो देख करके बना लेंगे कि अपन तो आदमी है, पर जानवर को कहाँ देखेंगे? देखेंगे तो भाई शेर बनाना है तो शेर को कहाँ देखेंगे, उसमें कौन सा तोड़ आएगा कहाँ नहीं आएगा। करते करते इतना तजुर्बा हो गया कि हमारे को किसी से पूछने की, ये फोटो देखने की, राय लेने की जरूरत नहीं, हमें खुद को ही सोचता है इतना। अब संगमरमर की मूर्तियां बनकर तैयार हैं, कड़ी मेहनत ने इन शक्लों को अख्तियार कर लिया है, हर तरह की मूर्ति का दीदार यहां हो जाता है, ईश्वर का वजूद भी इन मूर्तियों का हिस्सा बन चुका है, महापुरुषों से लेकर प्रधानमंत्री तक की मूर्ति मौजूद है। ये तो हर कलाकार के दिमाग में होता है, जैसे कृष्ण जी की मनानी है तो स्वरूप तो वैसा ही होता है, जैसे कपड़े वगैरह इधर उधर कर दो या पल्ला इधर हो गया इधर हो गया, करने के तरीके में पहले हाथ से होता था, अब मशीनें चल गई तो मशीनों से जल्दी काम होता है, पहले हाथ से स्लो काम होता था, तो मूर्तियां ज्यादा हो गई और खरीदने वाले कम हो गए सर। इस बीच ये जान लेना जरूरी है कि आखिर संगमरमर की ये मूर्तियां बाकियों से अलग क्यों हैं? संगमरमर पर किसी मौसम का कोई असर नहीं पड़ता, अपनी चमक अपनी मजबूती बरकरार रखता है। किसी भी पत्थर को आकार में ढालना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन संगमरमर का पत्थर बाकी पत्थरों के मुकाबले आसानी से आकार ले पाता है, इसीलिए कारीगर इमारतों और मूर्तियों के लिए संगमरमर को चुनते हैं। पत्थर अगर ठीक होगा उसमें अच्छा होगा, और पत्थर अगर अच्छा नहीं होगा स्वाभाविक है, जैसे ग्रेनाइट में है वो दक्षिण भारत में ज्यादा है,
स्पेटिक है, बरगज है, कुछ पत्थर है जिनकी हार्डनेस पावर ज्यादा है। जयपुर के बाजार आपको संगमरमर की इन्हीं मूर्तियों से सजे नजर आएंगे। खामोश जुबां से बयां करती है बेहद खूबसूरत कहानी आसमां तले मौजूद इन मूर्तियों की मदमस्त है रवानगी। जयपुर कलाओं में सिमटा एक बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ कला और कला के कद्रदान दोनों मौजूद हैं। संगमरमर से बनी ये मूर्तियां जब जिंदगी का हिस्सा बनती हैं तो एक नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। जयपुर की जमीन पर विभिन्न आकारों में ढली ये मूर्तियां महीनों की मेहनत का नतीजा हैं। लेकिन इन मूर्तियों की हकीकत कुछ शब्दों में नहीं समेटी जा सकती। इन्हें भी आकार में ढलते ढलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चोट बहुत लगती है सर, जैसे अब मशीनें चलाते हैं उसमें करंट भी लग जाता है। एक दो बंदे हमारे समाज में एक्सपायर भी हो गए, किसी का पग टूट गया, किसी का हाथ कट गया। नहा धो के आते हैं मिट्टी में हो जाते हैं, फिर तारे थके पत्थर में तो पत्थर ही होना पड़ता है। तो हम तो चाहते तो यही है कि नहीं करे ये काम, लेकिन अब और कुछ काम भी नहीं आता हमको, ये सीखा ही यही है तो इसमें ही करना पड़ेगा। कला तो है लेकिन कला पहचानने वाले कम है, तो पैसे जैसे हमको जितनी कला करते उतने मार्जिन भी नहीं मिलता है। इन मूर्तिकारों के सामने एक नहीं कई दिक्कतें हैं। हालांकि ये दिक्कतें इन मूर्तियों पर अपनी छाप कतई नहीं छोड़ती और शायद इन मूर्तिकारों की यही खासियत भी है। ऐसा नहीं है कि देश में इन मूर्तिकारों के सामने अवसरों की कमी है। ज्यादातर मूर्तिकार अपने पूर्वजों के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। धर्रा वही पुराना है, नए रास्ते पर आने के लिए नई जानकारियों और नई सुविधाओं की भी जरूरत है जो इन्हें मिल नहीं पा रही। और अगर इन दिक्कतों को दूर किया गया तो यकीनन तस्वीर और खूबसूरत हो सकती है। भविष्य तो इसका बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से ये चल रहा है और इसको कोई कॉपरेट नहीं कर रहा, सरकार अगर थोड़ा सा इसको संबल प्रदान करे तो बहुत अच्छा काम है। इसका जो प्रॉफिट है आर्टिस्ट को मिल जाए, बनाने वाले को मिल जाए, बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत देश का नाम भी है, बेरोजगारी की समस्या से निजात भी हम दिला सकते हैं और हजारों परिवार खुशहाल रह सकते हैं। मूर्ति कला को लेकर चुनौतियों की भी कमी नहीं। ये कब विलुप्त हो जाए इससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि उस मूर्तिकार की आने वाली पीढ़ी पर निर्भर करता है कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है या नहीं। हम ये नहीं चाहेंगे हमारे आगे बच्चे काम ये करें, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है, जैसे बीमार हो जाते हैं, मिट्टी अंदर जाती है, तो इस वजह से हम बच्चों को पढ़ा के नौकरी वगैरह करवाना चाहेंगे। मेरी सोच तो यही है कि मैं भी करूँगा और सब भाइयों से यही कहता हूँ कि मूर्तियों का काम करें। आगे जा करके मेरे बच्चों को भी यही सिखाने की कोशिश करूंगा। जो उनको बेटर लगेगा, अभी मेरे को बेटर लगा मूर्तियों का काम तो मैंने किया, अब उनको जो बेटर लगेगा वो वही करेंगे। कोशिश रहेगी तो जिंदगी भर ही करूंगा। ऐसा नहीं है कि सरकार इन हस्तकलाकारों के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। हस्तशिल्प निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार समय समय पर व्यापार मेले और प्रदर्शनी लगाती है ताकि इन हस्तशिल्प कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। साथ ही राज्य सरकार इन कलाकारों को उनकी कला का उचित मूल्य देने की भी कोशिश कर रही है। भारतीय हस्तकलाओं के खरीदारों की कमी नहीं, यही वजह है कि भारत इनका सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में शामिल है। संगमरमर के पत्थरों के निर्यात ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खास पहचान भी दिलाई। अभी हमने माल भेजा है कैलिफोर्निया गया था, तो वो डायरेक्ट आए थे यहाँ पे, डील हो गई उनसे, उनको रेट अच्छी लगी, वो सोचने लग जाते कि यार ये कैसे बना देते हैं, इससे कैसे आकृति कैसे आ जाती है। वक्त के साथ मूर्तियों की मांग भी बढ़ती रही है, इस लिहाज से देखें तो मूर्ति कला का भविष्य उज्जवल नजर आता है। जयपुर में बनने वाली संगमरमर की मूर्तियां घर, होटल, दफ्तर, बगीचे, बड़ी इमारतों की शोभा बढ़ाती नजर आ जाएंगी। दिल्ली, मुंबई, वाराणसी में तो कई ऐसे केंद्र हैं जहां मूर्ति कला का ज्ञान बांटा जाता है। मेरे से कई कारीगर काम सीख गए, यही नहीं उड़ीसा तक के लोग मेरे से काम सीख गए,
अब महाराष्ट्र के लोग काम सीखे, सिरोही के लोग काम सीखे गए। मैंने अभी तक इतनी मूर्ति बनाई है, मेरी सबसे फेवरेट ब्लैक के टाइगर बनाए मैंने, और एक हॉर्स बनाया है जो आपके दिल्ली में जयपुर पोलो ग्राउंड में लगा हुआ है, वो रेस कोर्स के पास में है। संगमरमर को भी संवार दिया पत्थर में जान डालकर, किसी भी रूह को झकझोरा जा सकता है इन बेमिसाल मूर्तियों को दिखाकर। राजस्थान के हर कोने में कला महसूस की जा सकती है, और जयपुर की मूर्ति कला तो शब्दों के बंधन से परे है। यहाँ कला और कलाकार दोनों का रिश्ता फूल और उसकी सुगंध जैसा है। शायद इसी वजह से राजस्थान की ये जिंदगी को ठहरने नहीं देती। भारत में कला और कलाकार की संवेदनशीलता को हमेशा सराहा गया है, और शायद इसीलिए दस्तकार, हस्तशिल्पकार, बुनकर, कारीगर आज भी अपनी हाथ की लकीरों पर विश्वास करते हैं।